साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल मिला। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मेन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते। अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथियों, आपके इस प्रदर्शन को देखकर सारा देश उत्साहित है और मैं बताऊं साथियों, बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, ये सबके लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है, जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिमाग आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं, वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है और इसलिए आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है और आपने वो काम कर रहे हैं दोस्तों। साथियों, ये स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। अब हम 2030 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक गेम का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के हिस्से के मैं उसकी मेहनत, अगर आपको जो काम करना है कोई और नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ता है। सारा परिश्रम स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है उसको खुद को ही करना पड़ता है, कोई प्रॉक्सी नहीं होता है, खुद को ही करना पड़ता है। खिलाड़ियों को खेल का सारा प्रेशर खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अपना धैर्य, अपना परिश्रम ही सबसे ज्यादा काम आता है। हर व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता है, जब उसे किसी का सहयोग मिल जाए तो उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। परिवार, समाज, संस्थाएं और अन्य सपोर्टिंग इकोसिस्टम खिलाड़ियों को और नई ऊंचाई पर पहुंचने का हौसला देते हैं। ये सभी एक साथ होकर
हमारे खिलाड़ियों का जितना ज्यादा साथ देंगे उनके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। आप परिवार को लें तो हमारे घर के लोग अपने बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट दे रहे हैं। जब आप में से और लोग जब शायद आपको थोड़ा मौका मिला होगा, घर से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, लेकिन इसके पहले के लोग तो नहीं, तुझे चोट आ जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, फिर कौन देखेगा, तुझे वहाँ कौन संभालेगा, नहीं जाना है, घर में रहो, बहुत उससे गुजर कर के आए। आज मैं देख रहा हूँ हर परिवार बच्चों को इस क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक नया कल्चर देश में उभरना बहुत बड़ी बात है। समाज की बात हो तो लोगों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप भी देखते होंगे, पहले तो खेलकूद में अच्छा अच्छा पढ़ते नहीं हो, आप जाके कहोगे मैं मेडल लेगा, अच्छा यही करते हो क्या, पढ़ते नहीं हो क्या, कहाँ से खाओगे, कहाँ से खाओगे, यही पूछते थे। अब अच्छा तुम ले आए, लाओ जरा मैं छू लूँ, मैं भी जरा छू करके देखूँ। ये बदलाव आया है साथियों। उस वक्त अगर कोई स्पोर्ट्स में होता था तो उसे सेटल नहीं माना जाता था, उसको पूछा था लेकिन सेटल होने के लिए क्या करोगे, यही पूछा जाता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है।